एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं मल्टीपल्स का, फैक्टर्स का, टाइप्स ऑफ नंबर्स का. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. राइट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मैंने यहाँ पर फोर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके आपको पहले पांच मल्टीपल्स लिखने हैं. तो मल्टीपल्स मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. राइट, तो पहले पांच क्योंकि आपको मल्टीपल लिखने हैं यहाँ पर, तो आप पांच मल्टीपल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? पहला मल्टीपल चाहिए तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा मल्टीपल चाहिए तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा मल्टीपल चाहिए तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा मल्टीपल चाहिए तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिफ्थ वाले मल्टीपल के लिए फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे. कितने लिखने हैं? फर्स्ट फाइव. अगर ये कहते हैं कि कोई भी पाँच लिखे तो आप इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे. आप दिए हुए नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर यहाँ लिखा होता कि जस्ट गिव द फाइव मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, आपको पहले पांच नंबर्स, पहले फाइव मल्टीपल्स देने हैं. तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स के लिए आपको वन टू थ्री फोर एंड फाइव से मल्टीप्लाई करना है. सेम यही प्रोसीजर आपको सबके लिए करना है. तो अब इसके मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव. इसी तरीके से हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वन से 12 को करते हैं, टू से 12 को करते हैं, थ्री से 12 को करते हैं, फोर से एंड लास्टली विद फाइव. फाइव मल्टीपल्स चाहिए. हर एक नंबर को आपने फाइव से मल्टीप्लाई करना है. 12 टू ज़ार 24, 12 थ्री ज़ार 36, 12 फोर ज़ार 48, 12 फाइव ज़ार 60. 15 के फैक्टर मल्टीपल्स निकालते हैं. 15 टूज आर, 15 थ्रीज आर, 15 फोर्स आर एंड 15 फाइव आर. सो लेट्स राइट द मल्टीपल्स. 15 वन ज़ार 15, 15 टूज आर 30, 15 थ्रीज आर 45, 15 फोर्स आर 60 एंड 15 फाइव आर 75. एंड लास्टली ऑफ 9. तो 9 का टेबल तो सभी को आता है, तो यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स फटाफट लिखें. सो 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18, 9 थ्री ज़ार 27, 9 फोर ज़ार 36 एंड 9 फाइव ज़ार 45. तो इस तरीके से आपको सारे मल्टीपल्स लिखने हैं. जितने मल्टीपल्स पूछे जाएंगे उतने ही नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. मैंने आपको बताया दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है. या तो ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि राइट द फाइव मल्टीपल्स, कोई भी एनी फाइव मल्टीपल्स, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वन टू थ्री फोर फाइव से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिखें. लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि फर्स्ट फाइव या फर्स्ट टेन, तो आपको फर्स्ट टू टेन नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.